ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है 13। ये है बेटा 6 क्लास की गणित की वर्कशीट है। तिथि रहेगी हमारी 16 अगस्त 2021। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि सन्निकटन, सन्निकटन योग की समझ होती है। तो देखिए, यहाँ पर श्रीमती देवसेना ने 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत कितनी होती है? एक की कीमत होती है 1175 और दूसरे की कितनी होती है? 449। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो देखते हैं बेटा आगे आगे क्या दिया गया है कि अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीके से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो अमरिंदर ने किस तरह से अनुमान लगाया? तो पहले जो है उपहार लिया उसने 1175 का, तो उसने अनुमान लगाया तकरीबन जो होगा उसका सैकड़े में आंकलन किया तो वो होगा 1200 में, ठीक है। दूसरे उपहार का उसने लगाया 449 है, तो वो मान लिया उसने सैकड़े में आंकलन करके 400 रुपये का। तो उपहारों का अनुमानित लागत कितनी हुई? 1600। इसके बाद बेटा जो है कटप्पा ने जो है उसका हल कैसे निकाला? उसने जो है उपहार लिए थे तो उसने एक पहले उपहार का निकटतम 1000 में आंकलन निकाला उसने, तो उसने 1000 रुपये रख लिया उसका आंकलन। और जो है दूसरे का 449 था, तो दूसरे में 1000 थे ही नहीं, तो उसका जो है 0। तो उसने अनुमानित लागत बताई उसने 1000 रुपये, और जो है अमरिंदर ने बताई 1600। तो क्या आप अमरिंदर द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आंकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे? तो किस में करेंगे बेटा? हम अमरिंदर द्वारा किए गए सैकड़े में आंकलन करेंगे। आगे निष्कर्ष भी पढ़ते हैं हम कि अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए, कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है, आंकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आंकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। तो योग का अनुमान लगाना, तो किस तरह से हम योग का अनुमान लगाएंगे? यहाँ पर कुछ जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सबसे पहला है कि 8891 और 4201। तो 8891 का हम 1000 में आंकलन करेंगे, तो इसका लगाया हमने 19000, क्योंकि जो है 8000, अगर जो है 8800 यहाँ पर 449 होता तो उसको हम लगाते बेटा 18000 में, ठीक है। अब ये है बेटा 891, 449 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है हम लगाएंगे 19000 में। यहाँ पर 4201 है तो हम लगाएंगे 4000 में। अनुपात योग यानी कि इसको हम जोड़ देंगे, 19000 और 4000 कितने हो जाएंगे? 23000 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सैकड़े में आंकलन करेंगे, 429 है और 8691, तो इसका जो है हम 400 लगाएंगे। इसका 6891 का निकटतम आंकलन कितना लगाएंगे हम? 8700 लगाएंगे। इसका अनुमानित योग इनको हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 9100। आगे देखिए बेटा अंतर का, अभी तो हमने क्या किया? योग का अनुमान लगाया। अभी हम क्या करेंगे कि अंतर का अनुमान लगाना है, यानी कि हमें क्या करना है? माइनस करना है। देखिए संख्या है हमारी 9876 और 6489। हम 1000 में आंकलन करेंगे, 1000 में आंकलन करेंगे तो 9876 किस में आएगा? निकटतम आंकलन 10000 में आएगा, और 6789 का कितने में आएगा? 7000 में। तो हम इसका अनुमानित अंतर कितना लगाएंगे? 3000, ठीक है। आगे देखिए हमारा दूसरा है, अनुमान लगाइए कि जो है 90476 और 10241, तो इसका जो है सैकड़े में आंकलन करेंगे हम। 90476 का हम क्या लगाएंगे? 90500, और 10241 का क्या करेंगे हम? 10200। तो अनुमानित अंतर कितना होगा हमारा? इसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे तो 8300। अब हमें जो है बेटा कुछ सॉल्यूशन, हमें जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहला हमें, ये तो हमारा अनुमानित योग का और ये हमारा अनुमानित अंतर का। तो सबसे पहली संख्या है, चलिए हम करते हैं सीधे आंसर। तो देखिए सबसे पहले है हमारा निकटतम सैकड़े में आंकलन, संख्या थी हमारी 841 और 181। 841 का निकटतम आंकलन कितना होगा? 800, और 181 का निकटतम आंकलन कितना होगा? 200। तो यहाँ पर अनुमानित योग कितना होगा बेटा? 800 में से हम 200 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा, हम प्लस कर देंगे इसको तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है योग करना है अनुमानित योग, तो हमें इसका कितना हो जाएगा हमारा? 10000, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे है हमारी संख्या 2400 और 6891। तो निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे हम इसका। 2400 का निकटतम कितना हो जाएगा? 2000, और 6891 का कितना हो जाएगा? 7000। अनुमानित योग कितना होगा हमारा? 9000, ठीक है। आगे देखिए
निकटतम जो है 1000 में आंकलन करेंगे, संख्या रहेंगी हमारी 9875 और 5478। 9875 का हम निकटतम आंकलन करेंगे 10000 और 5478 का हम जो है करेंगे 5000। इसका अनुमानित योग कितना होगा बेटा, हम इनको आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 15000। अब हमें क्या करना है बेटा, अनुमानित अंतर निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमारा अनुमानित अंतर जो है, देखिए हमारी संख्या रहेगी 8299 और 5000। 8299 का निकटतम आंकलन कितना होगा 8000, और 5000 का जो है निकटतम आंकलन कितना होगा 5000 ही होगा। तो इसका अनुमानित अंतर कितना लिखेंगे हम 3000। 8000 में से 3000 को हम माइनस कर देंगे। आगे देखिए बेटा, आगे है जो है निकटतम 1000 में आंकलन निकालना है। संख्या है हमारी 9999 और 5421 का निकटतम आंकलन 9999 का कितना होगा बेटा 10000, और 5421 का कितना होगा 5000। तो अनुमानित अंतर निकालेंगे तो 10000 में से 5000 को माइनस कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। इसके बाद है बेटा देखिए निकटतम सैकड़े में आंकलन, तो जो संख्या रहेगी हमारी 2541 और 5400 जो है 20। तो यहाँ पर जो है हम 524, तो यहाँ पर जो है 2541 का निकटतम आंकलन निकालेंगे हम, जो है ये हमारा होगा 2500, और 524 का कितना होगा 500, क्योंकि अगर 549 भी होता तो भी 500 होता, अगर 549 के बाद अगर 600 तक होता तो वो होता हमारा 600 में आता, ठीक है। तो हम इनको क्या कर देंगे 2500 में से 500 को जो है अनुमानित अंतर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।